दोस्तों गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी एकदम फर्स्ट क्लास हूँ। तो दोस्तों अभी बज रहा है मॉर्निंग के 9:30, यानी 9:30 हो चुके हैं और अभी मेरा नाश्ता बना नहीं है। तैयारी कर ली मैंने नाश्ते बनाने की और नाश्ते में बना रही हूँ मैं गोभी के परांठे, क्योंकि आज लेट इसलिए किया क्योंकि आज अनुज की छुट्टी है इसलिए। और दोस्तों मेरी फ्रेंड से मैंने मंगवाया था उनके वहाँ से MP से, ये देखिए, क्योंकि मैं लिक्विड वाला इस्तेमाल करती हूँ तो मैंने उसने कहा कि हमारे वहाँ मिल जाता है 5-5 लीटर की बोतलें, तो मैंने कहा मेरे लिए भी ले आना। तो अभी मैंने इस्तेमाल तो किया नहीं है, जब इस्तेमाल करूँगी आपको पक्का बताऊँगी कैसा है। और क्योंकि मैं बाहर होता ना जो उससे इसको इस्तेमाल नहीं करती, मैं लिक्विड ही इस्तेमाल करती हूँ ज़्यादातर। तो अभी मैं बना रही हूँ गोभी के परांठे और अनुज से मैंने कहा झाड़ू लगा लो, तो अनुज ने झाड़ू लगा लिया है। अब मैं पूछा लगाती हूँ, जब तक वो नहाएगा उसके बाद मैं इसके लिए गर्मा गर्म गोभी के परांठे बनाऊँगी। मैंने बीच में आलू के परांठे तो नहीं बोल दिया कहीं? हो सकता बोल दिया होगा, हाँ इग्नोर करना क्योंकि मैं बना रही हूँ गोभी के परांठे। पहले मैं बना रही थी चाउमीन, लेकिन देखा तो मैंने शिमला मिर्च नहीं थी, तो मैंने कहा दूसरे दिन बनाऊँगी, आज मैं गोभी के परांठे बना लेती हूँ। परसों की गोभी अभी तक फ्रीज में रखी हुई है मैंने, तो मैंने कहा पहले गोभी को फिनिश कर लेती हूँ, उसके परांठे बना लेती हूँ। तो मिलती है आपको थोड़ी देर में। दोस्तों ये मैंने गोभी फ्राई कर ली है, प्याज हरी मिर्च डाल के मसाला वसाला डाल के, ठीक है। तो इसको थोड़ा ठंडा होने देती, ठंडा हो ही गया लगभग, थोड़ा और होने देती, जब तक अनुज नहाता है तब तक मैं और काम कर लेती हूँ, फिर बनाऊँगी गर्मा गर्म। तो दोस्तों ये बन रहे मेरे गोभी के पराठे, पहला पराठा बन चुका है, दूसरा इसके ऊपर से एक्स्ट्रा तेल लग जाएगा इसमें, तेल मतलब घी में बना रही हूँ मैं, तेल में नहीं बनाती पराठे, मैं घी में बनाती हूँ दोस्तों। तो मैं कर रही थी नाश्ता, अनुज गया था मार्केट, मेरे को खांसी हो रही, तो खांसी वाली पान लेके आया था जिसमें सुपारी नहीं होती है, उसमें मुलेठी होती है, मुलेठी भी लेके आया और ले आया है वो मिर्ची बड़ा, मिर्ची पकौड़ा बड़ा जो भी है। उसने कहा मम्मी आपको पसंद है, पसंद तो है बेटा पर खांसी हो रही मुझे, बट थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो आपने हमारे बारे में सोचा। वो अपने दोस्त के साथ गया था, फिर वैसे मुझे पान ले आया, वैसे पान नहीं है खांसी वाले पान है, इसमें सुपारी नहीं होती है, कत्था नहीं होता है, और इसमें मुलेठी होती है और लौंग इलायची होती है। दोस्तों मिर्ची पकौड़ा या मिर्ची बोंडा, अंदर से मिर्ची है इसमें, मसाला है, बाहर से आलू है। मैंने तो नाश्ता कर लिया है, अब मेरा खाने का मन नहीं कर रहा, बट खा ही लेती हूँ जब इतने प्यार से लाया तो, है ना। तो नाश्ता मैंने कर लिया, मेरी पुटकी और के डम मज़ा आ गया, अब ऐसा मन कर रहा है धूप में जाके बिस्तर लगा के सो जाऊँ आराम से। बट थोड़े बहुत बर्तन है जो उनको धो देती हूँ, फिर देखती हूँ आगे जाके मतलब फिर देखती हूँ आगे, थोड़ी देर आराम करती हूँ फिर काम करती हूँ। ना मैं तो एक पान खाऊँगी मैं आज, मेरे को बहुत खांसी हो रही है। आज हम बनेंगे बनारसी बाबू। अरे मुलेठी भी मंगाई थी मैंने अंदर से, मुलेठी कैसे लाया है देखिए, बारीक वाली लाया मोटी वाली लाया? सही लाया मुलेठी, बारीक बारीक, ये खांसी के लिए बहुत अच्छी होती है, सही है बारीक। तो चलिए दोस्तों जाती हूँ किचन में। मैंने बाल नहीं धोए, नहाई मैं, बट मैंने हेयर वॉश नहीं किया। तो काफ़ी दिन हो चुके हैं मेरी खांसी को, और दवाई भी लाई, दवाई से भी असर नहीं हो रहा है, और मतलब ऐसा लग रहा है जैसे गले में कुछ अटक रखा होगा ना। तो ऐसे एक बार पहले भी हुआ था, तब मैंने पान खाए थे खांसी वाले पान, उसमें सुपारी उपारी नहीं पड़ती है, कत्थू ऐसी चीज़ें नहीं पड़ती है, मतलब जड़ी बूटी टाइप की पड़ती है, जैसे इलायची हो गई, लौंग हो गया और मुलेठी हो गई, ये चीज़ पड़ती है, तो उससे काफ़ी फ़र्क पड़ता है। तो अब मैं खाती हूँ इसको, ऐसे खाना नहीं मुंह में रख के, इसका रस मतलब रस जाना चाहिए गले में, एकदम नहीं चपा चुपा के 2 मिनट में साफ कर दो ऐसे नहीं, इसे काफ़ी देर तक मुँह में रहना चाहिए। तो मैं इसको खाती दिखाती हूँ मैं आपको पहले, ठीक है? अरे खाना भूल गए, मैंने मुँह में डाल दिया, अब ऐसे ही रहेगा मुँह में, रस निकलते जाऊँगी, बहुत परेशान हो गई मैं खांसी से, सिरप पी पी के थक गई मैं, इतना सिरप ये भी आधी हो गई, आधी से कम हो गई। ये लाई थी मैं अपने कानों के लिए ड्रेस बनाने के लिए, ये थोड़ा सा बनाया मैंने,
करोशिया पता नहीं करोशिया ही नहीं मिल रहा मुझे, पता नहीं कहाँ गिर गया। ऐसी होता है मेरे साथ, चीजें कहाँ रखती पता ही नहीं चलता। तो दोस्तों बने रहेगा ब्लॉग में। मंगाया मैंने पर्पल से कुछ प्रोडक्ट, अनुज अनबॉक्सिंग कर रहा है उसकी। उनकी एक चीज़ अच्छी है, ये पैकेजिंग इतना अच्छा करके देते हैं ना, सामान कुछ नहीं होगा लेकिन ऐसे बंद करके देंगे। दे दे इतना वो करके देते हैं ना ये लोग। इसके अंदर क्या है? अच्छा कांच की बोतल है ना। ये मंगाया मैंने बालों के लिए, ऑयल है एसेंस ऑयल। मेरे बाल बहुत झड़ रहे हैं इसलिए ये मंगाए मैंने। इनकी पैकेजिंग अच्छी रहती है। तो ये है दोस्तों गुड वाइब्स का एसेंस ऑयल रोजमेरी का। मैंने दो मंगा दिए इकट्ठे क्योंकि दो में सही पड़ रहे थे। तो दोस्तों घर पे मेरे पास गर्म सूट पड़े हुए थे दो, तो इस बार मैं ले आई यहाँ। तो मैं सोच रही हूँ कि इनको सिलवा दूँ। एक ये है और एक कुर्ती का कपड़ा है। ये कब से सोच रही हूँ सिलाने, देती हूँ लेकिन ऐसे हो जा रहा। आज सोच रही हूँ आज देखे आ ही जाती हूँ। तो चलिए दोस्तों मैं चलती हूँ इसको सिलाने, इसको सिलाई के लिए देने के लिए। यहीं पे पास में एक लेडीज सिलती है, उसके बाद देती हूँ। अच्छा सिलती हूँ, एक दो सूट पहले भी सिलाए थे मैंने उनसे। वैसे तो मैं खुद भी सिल लूँगी लेकिन पता नहीं कब सिलेगा ये। एक इस साल सिल जाएगा कुर्ता, अगला साल सलवार सिलेगी तब तक ठंडियाँ चली जाएगी, इसलिए मैं उनके पास ही दे के आती हूँ। तो दिखाती हूँ आपको एक बार, हाँ बैक कैमरा से। ये दोस्तों एक सूट ये है और इसकी सलवार ये है, गरम है ये ऐसा ही। और दूसरा तो ये नॉर्मल है, गोल घेरे में नहीं आता, मैंने कभी पहना नहीं है ऐसा वाला। मैं सोच रही पड़ा है तो बना ही लेती हूँ घर में पहनने के लिए, घर के अंदर के लिए भी जाएगा। तो ये कैसा पता है? ये ऐसा है, मैं कैसे दिखाऊँ के लिए, एक हाथ में मोबाइल, ये ऐसा गोल घेर सा है ये। जैसे पेटीकोट नहीं होता वैसे ये कपड़ा, ये जुड़ा हुआ पूरा। ये तो मेरे ख्याल से बैक साइड है और ये बाजू है, और अलग अलग डिज़ाइन है मतलब, और गले का आगे फ्रंट में ये है, फ्रंट का ये है फ्रंट का। तो इन दोनों को देती हूँ मैं सिलवाने के लिए। वैसे मैं सिलवाती कम ही हूँ सूट, मैं सिले सिले ही लेती हूँ ज़्यादातर, बट मैंने कहा है तो ले लेती हूँ। इसका दुपट्टा है मतलब सॉल, अच्छा लग रहा है, बहुत प्यारा है। तो दोस्तों सुबह से शाम भी हो चुकी है, बज चुके हैं शाम के 7:15, और अब मैं घूम के भी आ चुकी हूँ और अब मैं कर रही हूँ खाना बनाने की तैयारी रात के खाने की। और खाने में मैं बना रही हूँ आज मशरूम, मैंने सोचा नीचे गिर गया। तो चलिए आपको दिखाती हूँ मशरूम कैसे बनाती हूँ दोस्तों, ठीक है? तो बने रहना मेरे साथ और मेरे स्टैग में देखिए मैं मशरूम कैसे बनाती हूँ। तो चलिए दोस्तों आइए मेरे साथ। और कान्हा जी सुन रहे भजन, बिहारी चले आएंगे बिहारी। तो दोस्तों मशरूम मैंने साफ कर लिए आटे से, आटा लिया आटे से रगड़ लिए हैं और अब मैं इनको, जो इन पर काला काला रहता है ना तो आटे से अच्छे से साफ हो जाते हैं, तो ये मैंने रगड़ लिया है। अब मैं इसको धोऊंगी एक बार नॉर्मल पानी से, इसमें डाल देती हूँ, इसको वॉश कर लेती हूँ मैं। ये
देखिए पूरा आटा निकल गया इसका। साफ हो गए ना, ले लिया मैंने पानी गर्म कर देती हूँ थोड़ी देर, हल्दी डाल देती हूँ ताकि मशरूम एकदम से काले ना पड़े। तो दोस्तों ये मैंने मशरूम काट लिए हैं और थोड़ा गर्म पानी में मैं थोड़ा इसको ज़्यादा ही बॉईल कर देती हूँ तो थोड़ा काले काले से लग रहे होंगे आपको। और ये लहसुन छील लिया है मैंने, ये प्याज काट रही हूँ तो प्याज को दोनों बारीक काटना है। और अब मैं इसको मैरिनेट कर देती हूँ, और मेरे आँख में मिर्ची लग गई। तो इसको करना है हमें मीट मसाले में या फिर कोई भी गरम मसाले में थोड़ी देर के लिए। मैं कर रही हूँ मीट मसाला का इस्तेमाल, ये मसाला इस्तेमाल कर रही हूँ मैं इसमें। इसको करने के बाद इसको 10 मिनट ऐसे रहने देंगे, उसके बाद फिर हम इसको तेल में फ्राई करेंगे। और मैं बना रही हूँ प्रेशर कुकर में, तो आपको दिखाती हूँ कैसे बनाती हूँ मैं प्रेशर कुकर में ये, ठीक है, मशरूम की सब्जी। तो दोस्तों इसमें मैंने मसाला मिला लिया है, मसाला मिला दिया इसमें, थोड़ी देर इसको ऐसे ढक के रख दूंगी, तब तक मैं तैयारी करती हूँ और चीज़ की, प्याज उस काट के। तो दोस्तों मैंने ये फ्राई कर लिया है घी में, तो मसाले लगे थे उसके साथ, और अब मैं इसको डालूंगी प्रेशर, मैंने प्रेशर कुकर में बना दिया है मसाला तैयार कर लिया है। दोस्तों ये बन चुका है और वीडियो बनाना है भूल गई थी बीच में आदमी से। ये देखिए ये देखिए क्या कलर आ रखा है, कुछ खा रहा है ये कैसा है, आराम से पानी